दोस्तों, इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल की। आज इस मोटिवेशंस में मैं मोबाइल पे चर्चा करूँगा और साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि आज हमारे लाइफ में मोबाइल कितना बुरा बनता जा रहा है। आज लोग ऐसा मानते हैं कि मोबाइल को सेकेंड वाइफ के रूप में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल किस तरह से हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हमारे टाइम को बर्बाद कर रहा है और धीरे धीरे हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस थी वो भी खत्म कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक नंबर याद करने की क्षमता कम हो चुकी है। याद रखना हम सब जानते हैं, लेकिन मोबाइल यूज करना अब एक मजबूरी है, क्योंकि अब तो सारे काम मोबाइल से ही होते हैं। मोबाइल जैसे अब एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपको यह बात जानते हैं कि मोबाइल में 100% यूज में केवल 30% ही काम की चीज़ें होती है, बाकी 70% आपका समय बर्बाद कर रही है। दोस्तों, मोबाइल यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी या जब आप किसी काम के लिए मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हैं तो उस काम को भूलकर आप दूसरे चीज़ों में लग जाते हैं और 15 से 20 मिनट अपना समय वेस्ट करने के बाद आपको याद ही नहीं रहता कि आपने अपना मोबाइल किस काम के लिए उठाया था। ऐसा इसलिए होता है ना कि आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, जो नोटिफिकेशन सिस्टम है या जो यूजर इंटरफेस है, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ना कि आप अपना से ज़्यादा समय उस एप्लीकेशन पर बिताते हैं और अपने समय को पता ही नहीं चलने देते हैं। या डिजिटल कंपनियाँ पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पर ऑनलाइन रखने की कोशिश करते रहता है। और अब तो ये भी सारी चीज़ें आदत बन चुकी है ना, मतलब अगर आपको अलार्म लगाने के लिए मोबाइल उठाते हैं ना तो आप फेसबुक पर 15 से 20 मिनट समय खराब करते हैं, इंस्टाग्राम पे 10 से 15 मिनट खराब करके या 30 से 40 मिनट स्नैक वीडियो पे समय बर्बाद करते हैं, या व्हाट्सएप पर 30 से 40 मिनट मैसेज को रिप्लाई देने के बाद ही आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को बंद करते हैं और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना तो फिर से मोबाइल उठाकर लग जाओगे। इस तरह मोबाइल आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। याद रखना, हमने बाहर खेलना कूदना बंद कर दिया है क्योंकि उसकी जगह ऑनलाइन गेम मिल रही है, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, याद रखने की क्षमता कम पड़ते जा रही है, घंटों समय बर्बाद होते जा रहा है और पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और ना ही जाने कितने नुकसान हैं। जब भी मोबाइल को किसी काम के लिए उठाओ ना तो मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करने से पहले याद करो कि आपने मोबाइल किस काम के लिए उठाया था और वो काम करने के बाद वापस रख दो। और हर समय मोबाइल के साथ लेकर घूमने की आदत, मोबाइल के साथ लेकर सोने की आदत बिल्कुल छोड़ दो। मोबाइल का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करो, पढ़ाई के लिए करो, नॉलेज लेने के लिए करो, मोटिवेशन लेने के लिए करो। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अच्छी या बुरी नहीं होती, यह बस आपके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर रहती है। तो बस मोबाइल का इस्तेमाल करने का तरीका बदल दीजिए, बदलाव आपके अंदर खुद ही महसूस करेंगे। दोस्तों, रिश्तों से ज़्यादा वक्त आज भी हम अपने फ़ोन पे देते हैं, भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो उनके साथ रहते हैं, दूसरे की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों को स्टेटस बना देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कई कई बातों से आप सहमत हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिस्टर विशाल आपको नेक्स्ट मोटिवेशन की आग लेकर पहुँचूँगा। तो आपके दिलों में थोड़ी सी भी आपके अंदर फील हुई है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मैं मिस्टर विशाल आपको टाइम टाइम पर मोटिवेशन की आग देता रहूँगा। बाय टू ऑल, बाय बाय।